नमस्कार बच्चों, कक्षा 10 एक्सरसाइज 8.4 प्रश्न 5 इसका चौथा भाग हम बच्चों कर रहे हैं। हमें लेफ्ट साइड को राइट साइड के बराबर सिद्ध करना है। बच्चों प्रश्न है 1 प्लस सीकेंट ए बटा सीकेंट ए बराबर साइन स्क्वेयर ए बटा 1 माइनस कॉस ए। हमें इसे हल करना है। बच्चों देखिए, तो बच्चों मैंने आपको पहले क्या समझाया था कि सभी को ही लेफ्ट साइड को बराबर सिद्ध करना हो तो क्या करो, सीकेंट कॉट टैन इन सबको साइन और कॉस में बदल दो। तो वही हम यहां करने जा रहे हैं। देखिए कैसे, 1 प्लस सीकेंट ए होता है बच्चों 1 बटा कॉस ए के बराबर। ठीक है बच्चों, तो 1 प्लस सीकेंट ए की जगह 1 अपॉन कॉस ए, इसके नीचे बटा है पूरे वाला, ये ऐसे सीकेंट ए होता है 1 अपॉन कॉस ए। ठीक है बच्चों, राइट साइड पर देखिए साइन स्क्वेयर ए। अब हमारे पास एक सरल समीका है साइन स्क्वेयर ए प्लस कॉस स्क्वेयर ए बराबर 1। यहां से साइन स्क्वेयर ए किसके बराबर आ गया, कॉस स्क्वेयर ए, उधर जाके माइनस हो जाएगा 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए के। अब देखिए साइन स्क्वेयर ए की जगह आ गया 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए बटा, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। तो इसे हम आगे बच्चों हल करेंगे। देखिए कैसे, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1, 1 और कॉस ए का लघुत्तम आ जाएगा कॉस ए। कॉस ए को 1 से भाग किया कॉस ए, कॉस ए को 1 से गुना किया कॉस ए, नीचे वाले से भाग ऊपर वाले से गुना। ठीक है बच्चों, बीच में है प्लस तो प्लस, कॉस ए को कॉस ए से भाग किया 1, 1 इंटू 1 हो गया 1, ये तो आ गया ऊपर वाला। इस ऊपर वाले को हल करके हमने ये लिखा है बटा, यह है 1 बटा कॉस ए, 1 बटा कॉस ए। और बच्चों बराबर राइट साइड पर देखिए 1 माइनस कॉस स्क्वेयर ए। अब 1 है यानी 1 का स्क्वेयर है, 1 का स्क्वेयर 1 ही होता है, तो बन गया ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर। ये होता है ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस ए इंटू ए माइनस बी, 1 माइनस कॉस ए बटा, नीचे है 1 माइनस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब यहां देखिए 1 माइनस कॉस ए वाली ब्रैकेट से 1 माइनस कॉस ए वाली ब्रैकेट कट जाएगी। तो देखिए हमारे पास क्या बच गया, ये है कॉस ए प्लस 1, इसको मैं लिख सकता हूं 1 प्लस कॉस ए, क्योंकि कॉस ए प्लस 1 या 1 प्लस कॉस ए 2 प्लस 3 या 3 प्लस 2 एक ही बात है, बटा कॉस ए। इस वाले बटा की जगह भाग की जगह बन जाएगा गुना, तो नीचे वाली जो रकमें हैं वो उल्टी हो जाती हैं, ये 1 अपॉन कॉस ए है, अब ये बन जाएगा कॉस ए बटा 1, बराबर का निशान। यहां से देखें ये तो कट गया था, बाकी बच गया 1 प्लस कॉस ए। ठीक है बच्चों, अब देखिए एक बार फिर से कॉस ए से कॉस ए कट गया क्योंकि ये नीचे है ये ऊपर है, तो लेफ्ट साइड पे बचा है 1 प्लस कॉस ए बटा 1, इसको 1 से भाग किया यही रह गया, बराबर राइट साइड पे बचा है 1 प्लस कॉस ए। तो बच्चों आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड राइट साइड के बराबर है, 1 प्लस कॉस ए 1 प्लस कॉस ए, यानी लेफ्ट हैंड साइड बराबर है राइट हैंड साइड के, अतः सिद्ध हुआ। तो इस प्रकार से बच्चों हमने देखा कि सर्व समीकरणों का प्रयोग करके लेफ्ट हैंड साइड को हमने राइट हैंड साइड के बराबर सिद्ध कर दिया है। जहां से भी बच्चों जिस भी स्टेप से आपको ना समझ आए, वीडियो को पीछे ले जाकर दोबारा उसको देखिए, आपको अच्छे से समझ आ जाएगा। आशा करता हूं इस वीडियो के माध्यम से आपको यह प्रश्न अच्छे से समझ आया होगा। यदि आप इस प्रश्नावली के अन्य प्रश्नों को समझना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके वहां पर अन्य प्रश्नों के वीडियोस को देख सकते हैं और उन्हें समझ सकते हैं। धन्यवाद बच्चों।